इतनी ही सियासत यहां नक्सलियों के मुद्दे पर भी होती रही है, लेकिन इस लोकसभा सीट का सियासी समीकरण भी बेहद खास है। ने महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा चुनावी मैदान में है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी, तब से लेकर 2019 तक 16 लोकसभा चुनाव हुए। 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज यहां से सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दीपक बैज ने बीजेपी के बैदूराम कश्यप को चुनावी मैदान में हराया था। 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप ने यहां से जीत हासिल की थी। ये तो हुई पिछले दो चुनावों की बात, लेकिन इस सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। एक समय में बस्तर कांग्रेस की परंपरा जाती थी, मगर 1998 से लेकर 2014 तक यानी पिछले 6 लोकसभा चुनावों में इस सीट पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। बलिराम कश्यप यहां से लगातार 4 बार सांसद रहे। 2011 और 2014 में बीजेपी शामिल है। 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है तो 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक काबिज है। बस्तर का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है वो है नक्सल प्रभावित इलाका, लेकिन वक्त के साथ साथ यहां बदलाव भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि बस्तर लोकसभा सीटों पर सांसद से लेकर विधायक भी बदलते नजर आए हैं। खैर, पहले चरण में बस्तर में चुनाव हो चुका है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब इंतजार है तो बस 4 जून को आने वाले नतीजों का। टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सीट का लोकसभा समीकरण बेहद खास है। ये वही लोकसभा सीट है जहां से छत्तीसगढ़ की सरकार चलाई जाती है, इसलिए इस सीट का महत्व और भी बढ़ जाता है।